ये एक्सीडेंट हो गया सामने से भाई। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग, होप करते हैं बढ़िया ही होंगे। बढ़िया हो तो ऐसे बढ़िया रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। सो गाइस आज एक नया दिन, टाइम हो चुका है 8:50 और हम लोग हो चुके हैं रेडी। हम लोग जा रहे हैं आउट ऑफ दिल्ली। सो चलो आपको बताते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पर अभी नहीं, जल्दी आपको पता चलेगा। सो बने रहे इस वीडियो में, स्टे ट्यून। रेडी, बैग वैग उठा लिया है, चलो निकलते हैं जल्दी। गाइज हम लोग निकल चुके हैं, अब रास्ते में आ गए हैं, हम करवा रहे हैं यहाँ से फ्यूल अप, यहाँ से कराएंगे जल्दी से फ्यूल अप, यहीं से भरवा लेते हैं दिल्ली से, थोड़ा सस्ता पड़ेगा हमें। बाकी देखते हैं आगे जैसा भी होगा, सीएनजी थोड़ी तो है और भरवाएंगे इसमें। चलो अब जल्दी से चलते हैं, भरवा रहे पहली बार गाड़ी में फुल, देखते कितने का होगा। वैसे इसमें थोड़ा सा ऑलरेडी था, नैनीताल गए थे जब डलवाया था, अब और करवा रहे हैं। गाइस हम लोग रुके हैं एक ढाबे पे, ढाबा ही है, सही था, टॉयलेट वॉयलेट आ रहा था, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो गाइस ज़्यादा देर तो हम रुक नहीं सकते यहाँ पे, जितना देर रुकेंगे हम उतना हमें लेट हो जाएगा पहुँचने के लिए। और जैसा कि सबको पता ही है वहाँ तो बहुत ज़्यादा जाम लगता है, सुबह होते ही जाम हो जाएगा शुरू, इसलिए ट्राई कर रहे हैं रात ही रात में जल्दी से पहुँच जाए। चलो अभी तो आप लोगों को पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जल्दी बताते हैं आपको कहाँ जा रहे हैं। गाइस हम लोग रुके हैं सीएनजी रिफिल करवाने के लिए, फर्स्ट रिफिल हो रहा है हमारा, काफ़ी आगे आ गए हैं हम लोग, की जगह पे हैं, सही है, सही स्पीड से चल रहे हैं, ऐसे चलते रहे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। विचित्र सा डॉग मिला है हमें, इसकी जीप निकली हुई है, आओ आओ देखो। हम लोग यहाँ से मुड़ गए हैं, ये चंडीगढ़ और शिमला की तरफ रोड जाता है, ये सीधा जा रहा है एक रोड, कुछ नहीं दिख रहा अंधेरे में। हम लोग आ चुके हैं चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में हाईवे पे हम लोग, यहाँ पे लग रहा है बहुत तगड़ा जाम, मैं देखने जा रहा हूँ कि क्यों लग रहा है जाम। भैया गाड़ी चला रहे हैं और मैं देखने जा रहा हूँ कि जाम क्यों लग रहा है। ये देखो गाइस ये है इसका रीज़न जाम लगने के पीछे, पूरा ट्रक का एक्सीडेंट हो रखा है। रोहित यहीं खड़ा हुआ है, हाँ भाई रोहित, ये एक्सीडेंट हो गया सामने से भाई, है आलू लहसुन का ट्रक है, पूरा एक्सीडेंट हो गया बहुत गंदा वाला। चलो भाई चलो, बहुत बार हुआ ये पूरा ट्रक भाई गंदे वाला एक्सीडेंट हुआ इसका, तो लहसुन का ट्रक है भाई, लहसुन चाहिए। गाइस हम रुके हैं टी ब्रेक के लिए, ऑलमोस्ट दिन निकल चुका है, हम लोग आ गए चंडीगढ़, चंडीगढ़ ख़त्म होके नहीं दे रहा है, पहाड़ स्टार्ट ही नहीं हो रहे अभी। नींद आ रही है बहुत तेज, चाय पीते हैं नींद खुलते हैं अपनी, पानी से निकाल देना उसे, निचोड़ना नहीं था मैंने बस, ये क्रीम वाले बिस्किट खा रहा है, बचपन याद आ गया तेरे को दोबारा, और इसके पास है नहीं ना भाई। बचपन तो याद ही करना पड़ेगा, वैसे वाले नहीं, ग्लूकोज वगैरह नहीं इसके पास, अरे नहीं क्रीम बिस्किट्स। हम लोग जहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं वहाँ पे ये झूला लगा हुआ है, नमस्ते। एक तो दिल्ली से बाहर का ये मौसम इतना बढ़िया लगता है, एक सब कुछ HD दिखाई देता है, और झूला मजे आ गए, नींद खुल गई पूरी चाय पी के। दो बिस्किट के पैकेट मंगाए थे, पूरे निपटा दिए हमने, अब चलो आगे निकलते हैं।
पहुंचते जस्ट कैसे कसौल, तो टाइम हो गया 5 बज गए पूरे, 5 बज गए हैं और अभी हम लोग यहीं हैं, चंडीगढ़ ही हैं अभी, तो पहाड़ों में लगेगा मेन टाइम, पहाड़ अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। रोहित गया है जब तक के लिए बिल देने, मैं यहाँ झूला झूल रहा हूँ, ये गाड़ी में बैठ गए जाके, चलो चलते निकलते हैं आगे। कट हो गए पहाड़ यहाँ से, दुकान भी थोड़े बंद से हो रहे हैं। क्या व्यू आ रहा है गाइस, ऊपर से ये तो कान बंद होना शुरू हो गए, तो पीछे जाके सो गए आराम से। दोनों सो रहे हैं रोहित और अकेले ड्राइविंग ड्राइवर हूँ। गाइस हम लोग आ चुके पहाड़ों में, यहाँ पे वैसे ट्रैफिक तो नहीं है पर ये ट्रैफिक है। इतने नीचे बादल है, हम ज्यादा ऊंचे आ गए, नीचे जा रहे हैं। मस्त व्यू आ रहा है बादल नीचे, सो रहा है तो 4:30 सो रहा हूँ ना, ये बोलते ना घर से ही सो रहा हूँ, 4:30 सो रहा है भाई, गलती कर दी ना 4:30 सो रहा है, गलत हो गया ना मेरे साथ, यहाँ हम गाड़ी चला रहे तो सो रहे हो, है ना, ये गलत है। किले तो कितना टाइम पे भाई डंबर ही हम लोग रुक गए हैं एक और पॉइंट पे, यहाँ पे हमें मिला है एक मंदिर पहाड़ी के ऊपर, बिल्कुल बहुत ऊंची पहाड़ी है, कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा पर बहुत ही ऊंची पहाड़ी लग रही है, और हम लोग यहाँ रुके हैं इस छोटे से रेस्टोरेंट पे, हम मैगी खा रहे हैं, बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, अच्छा लग रहा है। टाइम हो चुका है 7:52 हो गए हैं, रोहित और मैं घूम रहे हैं, भैया रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अब उनकी बारी है गाड़ी चलाने की, तो वो सो रहे हैं, वो कह रहे हैं आधा घंटा या 15 मिनट सो लूँ मैं, फिर मैं गाड़ी चला लूँगा और फिर मैं सो जाऊँगा, तब तक हम व्यू एंजॉय कर रहे हैं यहाँ का। वो देखना ऊपर एक मंदिर है, मंदिर लग बना हुआ है, मंदिर है यार, मंदिर मंदिर में गाड़ी खड़ी है, देख गई कैसे होगी भाई, ऊपर होटल वोटल भी है यहाँ पे, घर वर हैं सारे, वादियाँ हमारी मैगी तैयार हो रही है, जब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा घूम रहे हैं, धूप लग रही है एकदम बढ़िया, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है पर अच्छा लग रहा है, धूप में ऐसा नहीं लग रहा है गर्मी है, क्योंकि टाइम अभी 8:00 है, इसलिए
गूगल मैप का तो भाई बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए। बीच में गांव में घुसा रहा था मैं, पता नहीं कहां से दो बार काट रहा था। लेन का भी दिखाया, फिर फोर लेन से करीब कितना 21 किलोमीटर हमारा खराब हुआ है। ऊपर नीचे फिर देखते हैं, कह रहे मंडी पहुंच के, मंडी पहुंच के 21 किलोमीटर का फर्क है मनाली और इसका। अच्छा, फुल कसौल का पूछा है मैंने तो वो बता रहे हैं। अच्छा, पर गूगल मैप ने तो बिल्कुल घुमा दिया था मैं, वो तो पता नहीं कहाँ पहुंचा था। ठीक है, और रोड भी बहुत बेकार थी। अब आ गई हमारी मैगी, 3 प्लेट मैगी। मैगी पहाड़ में आए और मैगी नहीं खाई तो क्या किया। टॉमी, यह है यहाँ का पहाड़ी कुत्ता, कितना जबरा है। इसको भी हमने बिस्किट खिलाए, यहीं पे आके बैठ गया है, अभी जा ही नहीं रहा। मेरे साथ चिपक के खड़ा हो गया अभी, मुझसे डर लग रहा है मेरे को, ज़्यादा ही क्लोज हो रहा है मेरे।